बोले बोले, पूछें क्वेश्चंस पूछें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। और आज 15 जुलाई 2012 है, फ्रेंडशिप डे, रिलेशन एक्चुअली फेथ नाम सही है। और स्टडीज खत्म हुई हैं उसके पेशन जी। जी हाँ, डायरी के फैसले के मुताबिक सीट अनाउंस होती हैं और डायरी एक मुतफ़ा रायदा ही करती है और उसके मुताबिक सीट अनाउंस होती हैं। बेशक हम अब तो इसमें लोगों से पूछ लेते हैं, रायदा ही भी लेते हैं, इसके अलावा हमारा जो सुपर पावर है उससे भी पूछते हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों से पूछ के फैसले करते हैं। अब अगर इनका ये कहना है अंबिया का कि हमें सीट नहीं दी गई, तो देखें, एक गलती इंसान कर देता है अब गलती हमने करी, 6 महीने का जो डिस्पैच हुआ है, जो 7 महीने का डिस्पैच हुआ है, हम समझते हैं कि देखें हमारी ज़िंदगी में लगातार हर साल ही चेंजेस होती रहती हैं, इसको भी अंदाजगी के साथ देखना चाहिए ना। और शुरू से मैटर ऑफ कंसर्निंग जो है हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम जो हमारी इंटरटेनमेंट होगी उसको हम बेहतरीन लवाजमात समझेंगे। एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसका एक ही डिपार्टमेंट है, उसके लिहाज से ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो उस लिहाज से फिर ये केई का तो एक बहुत बड़ा मसला चल गया था, हमारी जो रिलीजन डिपार्टमेंट ने उसने फैसले लिए थे। मगर हम समझते हैं, देखें ये तो एक ज़िंदगी का साथ है, बचपन से हो रहा है, तो उसको तो कोई फरामोश नहीं कर सकता है। तो इसकी ये इनकी जो ये बात है कि अगर हमारे पास ये घर है और अल्लाह ताला से लगाव है तो उस पेस पे हम ना करते, तो मगर ये हम इसकी गिवन प्रायरिटी नहीं दे सकते थे। मगर हम समझते हैं कि अल्लाह हमें जो पैगाम देगा उस पर चलेंगे अब, क्योंकि अब हम आम इंसान नहीं रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला हमें इस चीज़ में हल देगा चीज़, तो हम उस लिहाज से पूरी कोशिश करेंगे और उस पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर हम यहाँ ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ मना की है तो उसको उसकी आराम को बर्बाद मानी जाएगी, डायरी के फर्ज से नहीं होंगे। देखिए वक्त तो हम दे रहे हैं, हमने कहा है कि आज फ्रेंडशिप डे, अब हम बार बार हर महफिल में आप मुसलसल रूप से क्वेश्चंस आंसर्स कर रहे हैं, और यही होता है जब कोई कौमी दिन होता है तो हम बैठ के आपको बताते हैं। हम यही बता रहे हैं कि वक्त तो हम दे रहे हैं, वक्त दिया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने पूछा कि हम, हाँ, हम कोई बदमाश आवारा नहीं है, हम कोई गलत आदमी नहीं है, ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं। अगर कोई भी हमारे साथ तावुन करता तो हम तावुन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते टीका हम लोगों को टाइम भी दे दिया, हमें कोई जल्दबाज नहीं। हम अमन पसंद लोग हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम सच्चाई चाहते हैं और प्यार मोहब्बत से मसाइल हल करना चाहते हैं। अब पहले ये बात की गई थी, लेकिन शुरू दिन से इनका जो मौक़िफ़ था वो बड़ा ही अजीब मौक़िफ़ था। मरियम जो है वो कह रही थी कि क्या ये इसराइल जाके बात करेगा इनसे, कहाँ घर है, कहाँ रहते हो तुम, ये कह रही थी। असल में इनके जो दोस्त हैं, इनके जो ताल्लुकात जिन लोगों से, वो ख़राब लोग हैं।
अब वहाँ हम गए भी थे 2010 में, तो ये आ नहीं सके वहाँ, खुद ही मसला उन्होंने मिस किया है ना, उन्होंने खुद ही मिस किया है ये मरहला। तो हमने इनको कहा कि अब वो तो यही कह रही है कि कहाँ घर है, कहाँ है बताओ, कहाँ जाइए, किससे रब्ता करें, कौन कौन है वो, कहाँ रहते हैं। अब हमें पता है कि ये घर के सामने ही रहते हैं हमारे, और ये एक देखिए उनकी एक मिली भगत है, ये लोगों की साजिश है जो ये हुआ है, हादसा हुआ है, ये लोगों की पूरी साजिश थी, और मुसलसल उनकी कोशिश यही रही है कि वो यहाँ टेररिज्म फैलाएं, दहशत गर्दी फैलाएं, था अपनी गलत बातों को फैलाएं। तो हमने इनको यही मौका दिया है, हम यहाँ बैठ के यही कह रहे हैं कि देखें भाई, अगर यहाँ जो है वो इनकी जो अमल दराम आए हैं, तो अब इसका भरपूर तावन भी किया जाएगा, हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। और हमने बता दिया है कि देखें ये लोगों की साजिश के तहत हुआ, ये सबका यही प्लान था कि ये कुछ हादसा हो, मगर हमने अभी यही बात बताई है कि हमारी ये कोई आजकल की कहानी नहीं, बचपन की कहानी है, ये भी याद रखिए। हाँ, मुश्किल की घड़ियों में तो अम्बिया का साथ रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। मुसीबत की कड़ी जब भी हम आप रन जाए, मुसीबत आए, अम्बिया ने साथ दिया है। और अम्बिया जो है वो साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, ये तो बात आप सोच लें। अब लोग यहाँ यही समझते हैं कि लालच है हमें कोई पैसा मिलना, हमने तो उनको साफ साफ कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो यही है कि आप हमें तंबाकू दें, थालियाँ दें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं। या मैं मीडिया कवरेज डिपार्टमेंट से इजाज़त लेके ये सब बातें बोल रहा हूँ, इनको साफ साफ कह दिया आप हमें बस थालियाँ तंबाकू दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमने इनको यही कहा है कि देखिए ये तो कोई भी लालच का तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम किसी लालच के तहत कुछ नहीं करते, और हमें सुकून मिल रहा है, हम इनकी चीज़ें खा रहे हैं, इनकी आपके साथ सुकून मिल रहा है, हमें इत्मीनान मिल रहा है, और शायद अल्लाह को यही मंजूर था। हाँ, मैंने देखिए मैं उस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि देखिए हमें कोई किसी से बदमाशी नहीं, हमने तो इन्होंने खुद ही मौके मिस किए हैं अपने, अब हमारा मौका यही है कि देखिए हमारे पास तो अभी बहुत वक्त है, 10 साल का अर्सा भी हमें चाहिए, और हमने इनको माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला हमने यही कहा है कि देखिए ये अमन पसंदी का दामन हासिल नहीं छोड़ा जा सकता, अमन की बात हम कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, अब इनका ये कहना है कि शुरू से कह रहे हैं हम इसराइल में रहते थे, आप इसराइल के हैं ही नहीं, तो आपने इसराइल को एक टेररिज्म उन्होंने फिर पाकिस्तान में फैलाई थी, इसराइल से दोस्त किए गई हमारे, तो खुद ही तो गलत बातें फैलाई हैं उन्होंने, आप मुझे यही तो बताएं, उन्होंने खुद ही गलत बातें फैलाई, इजिप्ट के होके इन्होंने इसराइल फैलाई है, अब यहाँ के हुक्मरान क्या समझेंगे, वो समझेंगे कि कोई दहशत गर्दी समझेंगे इनको, और कुछ नहीं समझेंगे। हमने इनको कहा आप सच बोले, सच्चाई की बात बोले, वो तो झूठी है लफंगी,
भाई हमने तो यहाँ ये तक कहा है कि दिए हैं सारे अंबिया, उनकी बात में तो अकल नहीं किया था। हाँ, और ये भी नहीं, यहाँ जो बात हो ही रही है तो ये जो मोहम्मदी हैं वो कह रहे थे कि हमने क्या है वो कौन अमिताभ बच्चन की तरह हूँ, अमिताभ बच्चन की तरह। इनकी झूठी बातें तो लबरेज, जब मैंने पूछा कि मौला का बेटा क्या वो ही था तो कह रहे हैं कि वो तो बहुत खूबसूरत है, तो खाब के ऊपर लगे होंगे और अल्लाह ताला ने कहा कि कोई भी तुमसे हसीन नहीं। हाँ, आज 15 जुलाई 2012 है, आज हम ये इजहार यकजहती कर रहे हैं। अरे तो मुसलसल मैं अपने लग रही हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे माफ कीजिएगा, हम जैसे न्यूज चैनल में बातें होती हैं बैठ के, ऐसे हम न्यूज चैनल पर बैठे बातें कर रहे हैं। उनके आज हमारा कौमी दे है, हमने उनके साथ इजहार यकजहती की है, हमने उनके साथ हाथ में हाथ मिलाया, हमने उनके साथ ताबुन किया और हम उनके साथ चाहते हैं कि हमारे फ्रूटफुल फ्रेंडली रिलेशन है। मगर अब ये बात ख़त्म हो गई है कि बराबरी की बुनियाद ये वो हमारा एक हिस्सा बन गया है ज़िंदगी। हम ज़्यादा यहाँ बाकी ये नहीं कहेंगे कि हमें यहाँ जो है वो जंजीर से जंजीर मिली हुई है या ये वो, हमें कोई महावीर बोलने की जरूरत नहीं। हम तो यहाँ साफ कहेंगे कि अब हम तस्कीन ही कर लिया हमने उनको, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का ढांचा बना लिया माशाल्लाह से। तो हम समझते हैं कि हमने कोई भी, हम यहाँ बैठ के ये बातें नहीं कर रहे, हम बैठ के हम ये अटूट अंग कहेंगे या हमारा शहरा जो है ये ऐसी ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि हम जो हैं वो बिल्कुल उनकी उनका जिस तरह से उनका भाई होगा हम उसी के तरह भाई हैं। अगर उनका कोई कहना चाहिए कि बाप है हम उनके बाप हैं, अगर कहें उनकी कोई वाइफ है तो हम उनकी वाइफ की तरह हैं। हम लोग को इस अगर कोई कहे कि वो उसके हस्बैंड हैं, मैंने कहा हम लोग को हस्बैंड की तरह समझ लिया, यानी हमने ज़िंदगी को वक्फ कर दिया उनके लिए। ये बात है, हम ये कि इतना हमने उनको समझ लिया है तो यकजहती का इजहार तो हम कर रहे हैं, डिफ्रेंशियल डे बना रहे हैं आज हम, ये हमारा कौमी डे, ये हमने कोई आम डे नहीं रखा कि हम कोई झूठ पे झूठ बनाए जा रहे हैं बातें बैठ के कि हम खुद ही बना रहे हैं फ्रेंडशिप पे या इजहार यकजहती कर रहे हैं। इजहार यकजहती डे भी बनाया जाएगा जब हम रिलेशन एक्शन 19 जुलाई को हो जाएंगे, इंशाल्लाह 19 जुलाई 2012 को हो जाएंगे, तो फिर इजहार यकजहती या एतमाद डे बनाया जाएगा कोई भी नहीं। मगर ये हमारा कौमी डे है, ये तो एक तसलसल की हिस्ट्री है, उसको समझना चाहिए और उसके बलबूते पर हमें सब इसके साथ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।